पकड़ो हाथ पकड़ो हेलो कैसे हो भैया? हम ठीक है, तुम बताओ। बस मैं भगवान की कृपा से बहुत तंदुरुस्त। हाँ जी, हैं तो आप में से कोई भी सीआईडी नहीं है? क्यों, आपको कैसे पता चला? ये मालूम है। किस तरह से? आपकी सबकी शादी हो रखी है। क्या आपकी सबकी शादी हो रखी है? हाँ, मेरी तो शादी अभी हुई है। मेरे से हो रखी है? आपसे हुई है? हाँ, मैं हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज आता हूँ। क्या कह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हाई कोर्ट के जज आता हूँ मैं। अच्छा, आप हाई कोर्ट के जज हो? हाँ, सब बड़े। अच्छा, इंजीनियर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर भी और इंजीनियर भी हो? इंजीनियर भी हूँ। क्या बात है, क्या नाम है प्रभु आपका? आपका नाम देव प्रकाश है? मेरा नाम देव प्रकाश। देव प्रकाश जी, कहाँ से हो आप भगवान? धामपुर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हो? हाँ। तो हमें आपके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। बात बताओ। बैठ के बात करते हम आराम से। आपका इस महल को देखो, कितनी सारी आपने बोतल इकट्ठा करी। कीमत जान दो। कितनी है कीमत इसकी? खाली कीमत इसकी कीमत जाओ 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए? हाँ, 2 लाख रुपए। अच्छा, एक काम करो, हम बैठ के उनकी सब गिनती करते हैं और आपको अच्छा, आप कहाँ? आप पिताजी का नाम बताओ। मेरे पिताजी का? मैं अपने पिताजी का नाम बताता हूँ। हाँ बताइए बताइए। महादेव सिंह। महादेव सिंह? महादेव प्रजापति। महादेव प्रजापति? हाँ। अच्छा, कहाँ से वैसे है महादेव जी? कौन आपके पिताजी? पूरी दुनिया जानती है। वो तो भोलेनाथ को तो पूरी। पहले बात सुन ले करो, पहले जा रहा मैं कह रहा, पहले सुन ले करो। हाँ बोलिए बोलिए। माँ का नाम है श्री देवी। श्री देवी जी? हाँ। वो जिंदा है? क्या है? जिंदा है वो। जिंदा है? हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब और सुन लो। बताइए। भगत सिंह का बेटा हूँ। आप भगत सिंह के बेटे? हाँ, भगत सिंह से मैंने जन्म लिया है। भगत मतलब मैं समझा नहीं ये बात को। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी हमारे देश के सबसे बड़े सूरवीर ने। वो अभी जिंदा है? मरे नहीं है। अभी जिंदा है? तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। वो तो मुझे पता है, आपकी दाढ़ी देखो ना कितनी। दाढ़ी मेरी है, तुम सोच रहे मेरी उम्र? आपका महल तो दिखाओ मुझे। कौन सा? ये वाला। क्या देखना चाहते हो? ये 2-2 लाख की बोतल। ये बोतल खाली नहीं है, इसमें दवाई फेंकी हुई है। कौन सी दवाई? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। चलो दोस्तों, अभी हमारे भगवान का महल देखिए। मेरी दवाई सड़क पे फेंकी हुई है। कितनी कीमत है इनकी? किनकी? एक बोतल की। ये इस टाइम 2 करोड़ की बैठेगी है। अच्छा, ये वाली? हाँ। ये कितने की है? 2 करोड़ की। 2 करोड़ की? हाँ। ये तो वाइट लेबल लगा हुआ है। मशीन पे जाएगी जब चेक होगी। अच्छा, ये तो मुझे दारू लग रहा है। तुम्हें दारू लग रहा है? शीशी इसमें की है। अच्छा, सब भरी हुई बोतल है या खाली है? खाली है। खाली दिखाओ ना, खाली की कीमत कितनी? खाली है, खाली उधर पड़ी है। दिखाओ, चलो। पता नहीं भगवान कहाँ से लेके आ जाता है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इसकी? हाँ इसकी। क्या, कौन सी ये दवाई आती है? क्या बात है, फलों को जानते हो? अरे पर ये तो वोट का है। मैं क्या कह रहा, फलों को जानते हो? नहीं। किसको? फल को। फल बोले तो जूस का जानते हो? हाँ, जूस। जूस 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार का जूस? हाँ। होता है। कौन सा? 12 प्रकार का एक उसमें भरा जाएगा। अच्छा, आप सुन लो। तो आप एक काम करो ना। हाँ। ये सब बोतल बेचने के लिए हम जाते हैं हमारे घर। कोई मतलब नहीं। अरे मतलब है, पैसे देंगे ज्यादा। पैसे आपको ज्यादा देंगे। 50 करोड़ भी दोगे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए खाके ले गए। ऐसे मैं जोर से बोलू? जिसे तुम उस सारे बतमारे जाने जान रहा हूँ, तुम्हारे परिवार को जान रहा हूँ। क्या है मेरे परिवार में? मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम? तुम्हें तो ये भी नहीं पता मेरे पिताजी का कौन कौन है? मुझे तो पता है। तुम्हें ये भी नहीं पता है तुम्हारे पीछे कौन ब्लैकमेल नहीं कर रहा है? कहाँ तक पढ़ाई की है आपने वो बता दीजिए। मैं MBBS हूँ और सबसे पहले डॉक्टर में आता हूँ, इंजीनियर में मैं आता हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक काम करो ना, आप मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाता किसी के साथ। मजा आएगा ना? मैं नहीं जाता। अरे ऐसी बात नहीं, नहीं जाता मैं किसी के साथ। स्पेशल लेने आया हूँ। कोई नहीं आता। मैं सूरत से स्पेशल आया। कहीं से भी आए हो आप, सूरत में जाकर मेरा नाम देख लेना जा। तो दिखा ना, सभी लोगों को बताऊंगा तभी देखेंगे ना। बता दिया मैंने। हाँ तो चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाता। अरे ऐसी बात नहीं, नहीं जाता मैं किसी के साथ। मेरी बात नहीं मानोगे? पाबंदी नहीं हो किसी के साथ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तो मैं क्यों गुलाम बना रहा हूँ? मैं अपने घर का गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारे घर का क्यों गुलाम हूँ?
अच्छा। वहाँ पे अड्डा बनाएंगे इससे ना, कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जा सकता। पुलिस को बुलाओ, बुला लो। चलो मैं तुमसे जाता हूँ हिल रहे में। चलो पुलिस, मैं क्या कर रहा हूँ हिल रहे में? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन, उन्हें पेशाब नहीं आता क्या? कहाँ पे उन्हें, जिसकी तुम पुलिस की बात कर रहे हो? तो पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना। पुलिस नहीं भाई, हिल रहे हैं पहले से ही। कौन सा लोकेशन है सर? ये डबोई रोड पेट्रोलियम नहीं आता है, मानसरोवर आ रहा है। मानसरोवर नहीं है, वडोदरा का डबोई रोड का कुछ भी लिख दो। अरे आपको भी नहीं पता है, आपको ना मेरे को सबसे ज्यादा पता है। तुम भी ओरिजिनल में नहीं हो, तुम्हारे जरा चोट लग गई है, तुम ब्लड नहीं रोक सकते अपना। आप एक काम करो, इधर आओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप इधर तो आओ। नहीं जाऊंगा मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आपको एक बात, आप एक बात, आपको एक बात बताओ। आप इधर आइए, गाड़ी में ना मजा आता है। बात ना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने एक दफा मना कर दिया। अच्छा लगेगा शाम को आपको वापस यहीं पे भेज देंगे। मैंने एक दफा मना कर दिया, नहीं जाऊंगा मैं। तो आपको आप कैसे आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं, इस बात से मुझे मतलब नहीं है। उत्तराखंड नहीं जाना है? नहीं मैं उत्तराखंड में हूँ। ये उत्तराखंड नहीं है, गुजरात है। तुम गुजरात में लिखे हो, जाओ रेत के ऊपर गुजरात लिख लो। नहीं नहीं नहीं, ना मैं नहीं जा रहा। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इधर इधर मेरी बात सुनो। आप બહુ બધી બ્રાન્ડ રસ્તે ફેંકી ગયેલી, આ બધી મને લાગે બધું પૈસા ભરેલું છે, આ બધું લઈને રોડે પડેલું લઈને આવ્યા પછી મૂકે બધું। આ ભાઈ એક વાત સુન લો, હા બતાય, જ્યાં સે લેકે જ્યાં સે તુમ ચલે હો કટ્ટે મેડિકલ મે બેચ દેતે એસા વહાં પે આપકો સેવા કરની હૈ। મેં જે નહીં કરની સેવા, ક્યું નહીં કરની? મેં નહીં જાતા। તો એસે દારૂ કી બોટલ યહાં પે અલાઉડ નહીં હૈ, ઠીક હૈ? યે વાલી સબ કે દારૂ નહીં, સબ વ્હાઇટ લેબલ લગા કે રોડ પે પડી રહેતી, આપ ઢૂંઢતા રહેતો। આ બોલો, બોલો, વો દારૂ કી નહીં, યે હૈ, યે 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 વાત કર રહા હું મેં, યે ये बताओ तुम आज बताओ ये क्या? अरे ये तो दवा है, इसकी बात बताओ। मैंने इसमें भर रखी है, ये सब दवा? हाँ ये सब इसमें भर रखी है, पानी लगे के। क्यों? ये 10-50 लाख 50 कट्टे भर के लाया मैं भर के। तो ये कितने का माल है आपका? हाँ ये कितने का माल है? ये 2 करोड़ की बैटरी है। ये 2 करोड़ का माल है, मशीन से चेक होगी जब जाके जाऊंगा मैं यहाँ से। हाँ तो चलो मशीन के पास। मैं नहीं जा रहा कहीं भी। अरे ऐसे आपके अप्रूवल नहीं होगी दवा? बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं 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 जा सकता बिल्कुल भी। नहीं 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 भाई, नहीं बिल्कुल। देखो देखो भाई भैया, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप बच्चों के नहीं सुनोगे? आप हमसे बड़े हैं, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। चलो गाड़ी में बैठे बैठे बात करो। पहले मुझे हाथ छोड़ो, हाथ हाथ छोड़ो, भूखा मन रहा, मन रहा मंजूर है। नहीं आपको है ना, अभी तो कोई आपको है ना कोई समझने वाला नहीं। आगे ना, आगे ना। पुलिस स्टेशन के आ जाए, पुलिस स्टेशन आपने जता हो गया। चलो ये तो बात कर लिया। चले दोस्तों, अभी यहाँ डबोई हाईवे पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सभी लोग वीडियो देखते हो हमारे, थैंक यू सो मच। आवा लोगों ने मदद करता रही जो है बता। चलो चलो मोलिए, आओ ने पुलिस स्टेशन जाइए। दोस्तों अभी बाइक को बिठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो ज्यादा मानसिक रूप से बीमार है, उनको भरोसा नहीं है। बट अभी गाड़ी में बैठ चुके हो, आराम से पीछे बैठे हैं। और चले कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करने से किसी ज़िंदगी बदल रही है किसी की, तो वो सबसे बड़ी बात है। अभी हम डबोई वडोदरा हाईवे पे है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनका वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, पुलिस स्टेशन को वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ पे? मैंने मेरा शर्ट का बूटान भी तोड़ दिया, पूरा शर्ट फेल हो गया। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। तमने क्या, तमने क्या कवड़ी किया? कोने कवड़ी किया? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद शेल्टर होम। यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था के साथ ज्योति सामाजिक सेवा संस्था का काम चलता है। आ जाओ भगवान। क्या बात है? आप बात तो नीचे उठो तो करते हैं। बताओ मैं क्या बताओ? क्या बात है? आप नीचे उतर देंगे तभी बात करेंगे ना। आपको चढ़ाते वक्त वो बहुत मुश्किल हुई, आप उतर नहीं रहे हो। आप बताइए। मेरे को परेशान मत करो, जिस चीज का जवाब मांगना मेरे से। हाँ ठीक है ठीक है। आप देखो मेहमान आपको मिलने आए हैं स्पेशल। एक बात सुन लो, मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा यार। हाँ कोई कोई नहीं खाने का।
भूख लगे तभी खाने का। मैं बिल्कुल नहीं खाने का। हाँ ठीक है, एक बात सुन लो, इस बारे में कुतुब नहीं कह सकते, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ शैतान को। शैतान को जानते? हाँ। अच्छा अच्छा, अरे एक बात सुन लो, यहाँ शैतान है। कहाँ पे? यहाँ पे। चलो दिखाओ मुझे। अब एक बात सुनो, जो खाना नहीं खाता उन्हें बुलाओ। आप बार बार शब्द की शुरुआत। बिल्कुल शब्द, ये शब्द है, इस चीज का सब तुम नहीं जानते। ठीक है ठीक है, एक बात सुनो, सुन बेटे, एक बात सुन ले, एक बात सुन, एक परिवार से 50,000 बेटी विदा है, आप समझ गए? एक परिवार से। हाँ, एक परिवार। चलो ठीक है, आप आओ अंदर। सुन ले, अंदर तो आओ, अंदर बात करते, आराम से बैठ के बात करते, आ जाओ आ जाओ, हम आपका स्वागत करते, आ जाओ बैठे, यहाँ पे ये बैठो, आपकी सब व्यवस्था है। ऐसा मुझे एक बात सुनो, जिसने आश्रम चला रखा है उसके परिवार में 21, जिसका ये आश्रम है पहले, उसके परिवार में 21 परिवार है। 21 परिवार है जिसका भी आप सही बताया। 21,000। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद शेल्टर होम, जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था शुरू यहाँ पे रन हो रहा है, एज ए सपोर्टर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है। तो चले कोई बात नहीं, आज बोरसद से आज स्पेशल हमारे मेहमान भी हमारे साथ उपस्थित है। आप सर बेसिकली बोरसद से हो या बाहर? बोरसद प्रॉपर। प्रॉपर बोरसद। क्या नाम है सर आपका? महेश भाई हरिभाई पटेल। महेश भाई हरिभाई पटेल। अच्छा, आप हर वक्त हमारे वीडियो फॉलो करते हैं? थैंक यू सो मच, आज हमारे इस एपिसोड में आप भी शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी लाइव देखो कि कितनी कन्विंस करना पड़ता है व्यक्ति को। जय ज्योति थी तुम्हारा बोला खेली बहन तन पैसा पतला खलवाना पोंसो वाली। हां ये रोजी बहन, ये रोजी बहन, ये घर जतारिया गतारिया सरस हमने परिवार हमने ले गया। हूं धारो अमेरिका ज्योति थी वीडियो तुम्हारो એવું છે? રાતે 12 વાગે જો તો આ ઉમો પાડ્યા કે તું ગાડી થઈ જઈશ, તું પેલા વિડિયો મેલ કરજે, મારે તને તઈ ના મૂક્યા પડે, સરસ મને ગમતું, તું બહુ સરસ કે બહુ સરસ કામ કરો છો તમે, સેવા બહુ સરસ આપો છો। ના ના બસ બસ, આજે તમે પણ મહેમાન જ છો, અમારે ભગવાનની મહેમાન છે એટલે પણ સરસ આઈ કે સરસ। चलो पहले बाल काट दो तभी आप सुनना उनके, ठीक है? वरना तब तक नहीं सुन, फिर सुनेंगे आप बाल दाढ़ी, फिर आप रेडी हो जाओ, फिर मैं शांति से आपकी बात सुनूं। मैं यहाँ रहने वाली हूँ, आज यहाँ रहने वाली हूँ, यहाँ खाएंगे हम दोनों साथ बैठेंगे, आराम से सुनेंगे आप। पहले बाजी डाल कर दो, फिर उनके बाद आप सुनते आपकी बात। अरे तभी अम्मा बात करेंगे आपसे। अरे बाल काटने के बाद सुन लो, मैं खर्च नहीं चढ़ाऊंगा, अम्मा से बात नहीं करनी है क्या? मैं ऐसी बात करूँ? नहीं, बाल दाढ़ी करोगे तभी बाल दाढ़ी बनाओ, नहा लो, फिर आप बैठे बात करते हैं। आज इसलिए आए, बुलाया कि भगवान से बात करनी है, तो मेरे को बैठ के बात करते हैं। बाल बाल कट दो, सावर बावर कर लो, नहीं लो, फिर हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाथ तो नीचे रखो ना ना। हम ये पाबंदी नहीं किसी है बैठने का, हम अपनी मर्जी का मालिक हैं। हाँ वो तो बात सही है हमारे। आप सुन लो, मेरी डिग्री पहली क्लास से चली हुई है। अच्छा अच्छा, हमारे प्रभु जी जज साहब थे, हाई कोर्ट की जज की कुर्सी में पहली क्लास से बैठ चुका हूँ। हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठते थे? पहली क्लास जानते हो? पहली क्लास में? अच्छा अच्छा, अब आपको जज साहब बनाते हैं हम, देखो आपको फिर से आपकी नई जिंदगी वापस आएगी। दोस्तों आपने वीडियो में आगे देखा कि जिस हिसाब से हमारे भगवान पूरा रोड ब्लॉक करवा दिया था वहाँ का, इतने परेशान किया क्योंकि उनको भरोसा नहीं था, वो आज भरोसों के साथ यहाँ पे बैठे। सोचिए कि आप प्यार से हम कितना बदलाव ला सकते, पिछले 10 साल से वो वहाँ पे रहते थे, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे गर्मी में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, उसी हालात के वही व्यवस्था के साथ वहाँ पे रहते थे। और चले कोई बात नहीं, आज किसी की व्यक्ति की ज़िंदगी बदल रही है वो सबसे बड़ी बात है, हर एक व्यक्ति प्यार से बदल सकता है। हमारे हाईकोर्ट के जज साहब की जो हालात थी, उनके शरीर में से 5-6 पेन निकले हैं, जो कलम होती है, जो जज साहब के कलमों के साथ, मैं आपको बताना, आपकी कलम कहाँ पे है? कलम अंदर है ना, ले लो सब कलम ले लो। मुझे उनके बर्ताव से तो यही लग रहा है कि शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए कितनी कलम है, ए एक कलम है, A1, A2, ये आपकी कलम लो। तो हमारे जज साहब रेडी हो चुके हैं,
अपना कोट वोट पहन के लाओ। अभी है ना हमारी शादी हुई थी ना, आप थे नहीं। वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, आओ आ जाओ। आपने तो मेरा शर्ट तोड़ दिया है। ये आप बहन से बात करो, चलो अम्मा से बात करो। आप भारत सिंह की 20 बेटी एक है और भारत सिंह के बड़े दादा हैं, तुम्हारे बड़े पिताजी हैं समय पर, वे हैं 20 भाई। आप कौन से कोर्ट में काम करते थे? पहले पहले। अरे भारत सरकार के कौन से स्टेज पे थे आप? कहाँ हो, 20 भाई है मेरे। हाँ 20 भाई है ना। 20 भाई, गलत तो नहीं बोला? नहीं बिल्कुल गलत। बड़े दादा का नाम भारत सिंह है तुम्हारे? हमारे भाई भारत सिंह है, बड़े दादा। आपके घर कहाँ पे आपका? मेरा रामपुर है। धामपुर तहसील आती है समय पर। धामपुर कहाँ आया वो? यूपी में, उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड। आपके घर में कौन कौन है? सुनो, उत्तराखंड में जो आता है, आप सुन लो, उत्तराखंड में जो आता है, उत्तराखंड तो हो गया संस्कृत में, ठीक है, हिंदी में हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आई थी आपके घर एक बार? आई नहीं थी, आपके पहचाना नहीं मुझे? आप सुनो, आप आए होंगे तो बिजनौर आए होंगे, सफेदपुर आए होंगे, दो सी जगह, तीसरी जगह मेरी शादी में से अलावा और कहीं नहीं आई। आप, आपकी शादी हो गई थी? शादी हो या ऐसा ही तैयार हो गए हो आप? आपकी शादी हो गई थी? मैं बता रहा हूँ, मैंने फोटोग्राफी की है। अच्छा, पर आपका अभी फोटो है ना बहुत मस्त दिख रहा है। आप मुझे ओरिजिनल में पहचानोगे तो आप मुझे पहचान नहीं सकते थे। अच्छा, अभी ओरिजिनली आपकी पहचान मुझे लगी है। ये दाढ़ी तुम देख रहे हो सफेद, ये दाढ़ी भी सफेद नहीं मिलेगी मुझे, तो ब्लैक दाढ़ी होती मेरी। आप सुन लो, मेरी जन्मतिथि सुनोगे और तुम्हारे हिसाब से लग रहा सर 2024 सन 87 चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो जो सामान था कितने करोड़ का था? वो 2.5 करोड़ का। वो एक बात सुनो। नहीं नहीं, ये की सुनना है, वो सामान कितने शीशी है? हाँ, वो जो बोतलें थी ना आपके पास, कितने करोड़ की थी? वो 2 करोड़ की एक बोतल में दवाई है। दो करोड़ की दवाई थी तो कितनी बोतल है इतनी? वो सुनो, जैसे कट्टे नहीं होते, खाने वाली गोली होती है। हाँ। एक काम करो ना, मेरी बात सुनो, अभी वो बोतल मैं बेच देता हूँ, अभी आश्रम बन रहा है ना, तो 2 करोड़ वहाँ पे यूज करूँगा। पहले बात सुन लो करो, वो मशीन पे चेक होंगे, सबसे बड़ी मशीन पे चेक होंगे, वो मैं करवा दूंगा, पर 2 करोड़ वहाँ का मैं ले लेता हूँ, ठीक है? उसको दे दो, ये अच्छा काम करते है, सब उसको दे दो। अब कितने? अरे 2 करोड़ तो बहुत। सुन ले, एक बात सुन, तेने बाल कटाए, काटे मेरे, निलाया तेने, है पंजाब बैंक में तेरा खाता है? हाँ पंजाब में है। चलो पंजाब में है ना? हाँ है। तेरे को पंजाब में तुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। एक बात सुन लो, इसे वो दे रहा हूँ मैं, और इसे इसने मुझे निलाया है, ठीक है, नहलाने का भाड़ा 1000 रुपए दे रहे हैं, वो शेरवानी प्यारी है, बाल कटाने के तब के वो दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे महंगा हजाम हुआ मैं, बाल कटाने का हजाम। और तुम नहीं भी यकीन नहीं आएगा, हाँ तुम जैसे पूछोगे तुमसे खुद पूछेंगे भाई। हाँ, बैंक, ठीक है ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, 2 करोड़ का मैं वहीवट कर देता हूँ वहाँ पे, अभी क्या आश्रम बन रहा है ना, तो वहाँ पे पैसे की जरूरत है, डोनेशन की जरूरत है, समझे? तो अभी वो बात सुनो, अरे आप जैसे लोगों को सहारा मिलेगा वहाँ पे। पहले बात सुन लो, जिस बात के लिए तुम कह रहे हो आश्रम जो अभी नहीं बनेंगे कहीं भी, अभी बन रही है, चालू है, आपने देखा नहीं है? अभी चलो चाय आपको पिलाता हूँ, आप चाय पी लो। चले दोस्तों, कोई बात नहीं, आज ऐसे व्यक्तित्व को कुछ जीवन में बदलाव लाने के लिए भगवान ने आज जो मौका दिया वही सबसे बड़ी बात है, और आज हमारे सब्सक्राइबर भी कह सकते हैं, हमारे सपोर्टर भी कह सकते हैं, काफ़ी दूर से आज मिलने के लिए यहाँ पे स्पेशल आए। वैसे अमेरिका से आप बोल रहे हो ना? अमेरिका, पहले अमेरिका थे? पहले अमेरिका थे। कौन सी जगह पे? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में थे, वहाँ पे आप हर रोज वीडियो देखते हो? हर रोज, पूरी 12 बजे तक देखती थी वीडियो। थैंक यू सो मच, आज आप रूबरू आए। मैं इसे बोल रहा था, अगर तेरा मेंटली प्रॉब्लम हो जाए ना तो मुझे यहाँ भेजने वाले हैं, मोटा भाई को बुला लूंगा, आप ले जाइए उसको। चले दोस्तों, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ तक पधारे और बैठ के हम और भी बातचीत करते हैं। तो चले दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना उत्तराखंड के जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए वहाँ तक, क्योंकि उनके परिवार जो जल्दी मिल जाएंगे तो हमारे लिए उनसे भी सबसे बड़ी सेवा होगी। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।